आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारत की ओर से दुनिया को एक और बड़ी सौगात दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने संबोधन में ऐलान किया कि अब एम योगा ऐप को लॉन्च किया गया है। इसके जरिए दुनिया की अलग अलग भाषाओं में योग को सिखाया जाएगा। भारत ने इस ऐप को विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर तैयार किया है। हाल ही में दुनिया कोरोना जैसी भयंकर महामारी से धीरे धीरे उभर रही है और इस दौर में लोगों को योग की महत्ता ज्यादा अच्छे से समझ आने लगी है। महामारी के संकट काल में खुद डॉक्टर्स ने लोगों को योग करने की सलाह दी है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया भारत को योग गुरु ऐसे ही नहीं मानती है। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत में योग परंपरा को समृद्ध बनाने में कुछ फेमस योग गुरुओं का बड़ा योगदान रहा है। ये उन्हीं योग गुरुओं की कठिन मेहनत का नतीजा है। दरअसल विदेश से लोग भारत में योग सीखने आते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन योग के नाम समर्पित कर दिया। तो आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आपको ऐसे ही कुछ महान योग गुरुओं से मिलाते हैं, उनसे परिचय करवाते हैं। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी इंदिरा गांधी के योग टीचर के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने दूरदर्शन चैनल के माध्यम से योग को बढ़ावा देने, इसके साथ ही उन्होंने इस दिल्ली के स्कूल और योग को विश्वयातन योगाश्रम में योग का काम करना शुरू किया और वहीं से ही उन्हें काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। जम्मू में उनका एक आलिशान आश्रम भी है। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी भाषा में कई किताबें लिखकर योग को बढ़ावा भी दिया है। बीके एस अयंकर ने योग को दुनिया भर में पहचान दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई। साल 2004 में टाइम मैगजीन ने उनका नाम दुनिया के टॉप 100 प्रभावशाली लोगों में शुमार किया था। इसके अलावा उन्होंने पतंजलि के योग सूत्रों को नए सिरे से परिभाषित किया। लाइट ऑन योग के नाम से उनकी किताब भी है, जिनको योग बाइबल कहा जाता है। कृष्ण पट्टाभी जोइस भी एक बड़े योग गुरु थे। उनका जन्म 26 जुलाई 1915 और मृत्यु 18 मई 2009 को हुई थी। कृष्ण ने उनके अनुयायियों में मडोना, अष्टांग विन्यास योग शैली विकसित की थी। स्टिंग और गेविनेथ पोल्ट्रो जैसे बड़े नाम इसमें शुमार हैं। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य को आधुनिक योग का पिता कहा जाता है। हठ योग और विन्यास को फिर से जीवित करने का पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। उन्होंने मैसूर के महाराजा के राज के समय में भारत में योग को एक नई पहचान दिलाई थी। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य को आयुर्वेद की भी पूरी जानकारी थी। परमहंस योगानंद अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पश्चिम के लोगों को मेडिटेशन और इतना ही नहीं क्रिया योग से भी परिचित कराया। परमहंस योगानंद योग के सबसे पहले और मुख्य गुरु हैं। उन्होंने अपना ज्यादातर जीवन अमेरिका में गुजारा था। स्वामी शिवानंद सरस्वती पेशे से डॉक्टर थे। उन्होंने योग, वेदांत और कई अन्य विषयों पर लगभग 200 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। शिवानंद योग वेदांत के नाम से उनका एक योगा सेंटर भी है। महर्षि महेश योगी देश और दुनिया में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के लिए जाने जाते थे। कई सेलिब्रिटीज भी उन्हें अपना गुरु मानते थे। श्री श्री रविशंकर भी महर्षि महेश योगी के शिष्य हैं। दुनिया भर में वो अपने योग से जाने जाते हैं और दुनिया भर के कई ऐसे लोग हैं जो उन्हें अपना गुरु मानते हैं। बता दें कि देश के तमाम बड़े योगा एक्सपर्ट्स योग से निरोगी रहने की कला को अपने अपने अंदर में प्रभाषित करते आए हैं। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया बड़े डॉक्टर्स और वैज्ञानिक ने भी इसके महत्व को समझा है। लेकिन मौजूदा दौर में अब भी लोग ऐसे हैं जो योग को समझ नहीं पा रहे हैं, जिनको समझने की जरूरत है। और आज बड़े से बड़े सेलिब्रिटी भी 7वें योगा दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं।